दोस्तों क्या आप जानते हो आप अपने फोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर से अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बचा सकते हो। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा हम कहीं पे भी जाते हैं फोन जेब में रखा रहता है, निकालते हैं देखते हैं हमारे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, यूज ही नहीं किए। लेकिन गाइस प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर आपके फोन में है ना तो आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बचा सकते हो। इस वीडियो में कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइस, बस एक लाइक कर देना। सो गाइस आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने फोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज करके अपने फोन की बैटरी लाइफ को काफी हद तक बचाएंगे जिससे लंबे समय तक हमारे फोन की बैटरी चले। यहाँ पे दिखाई तो नहीं देता लेकिन गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमिटी सेंसर छिपा होता है जिसका यूज करके दोस्तों हम जब कॉल पे बातें करते हैं तो हमारे फोन की स्क्रीन वगैरह बंद हो जाती है। तो समझ जाइए आपके फोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन दिया रहता है सभी स्मार्टफोन में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम उसका यूज करेंगे अपने फोन की बैटरी लाइफ को बचाने के लिए। तो उसके लिए गाइस हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे आप देख सकते हो इसका क्या नेम है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है, सारे प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम अपने फोन की बैटरी लाइफ को बचाएंगे। तो इसे ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहां पे देख लीजिए सर्विस एनेबल, ये बंद रहेगा, सिंपली यहां से इसे ऑन करना है। यहां पे आप देख लीजिए ये एक डिस्क्लेमर आएगा तो आप इसे ओके कर देना एंड उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला है स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन लॉक एंड स्क्रीन ऑन, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें स्क्रीन ऑन से कोई मतलब नहीं है, अगर आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को बचाना चाहते हो तो दोस्तों आपको स्क्रीन ऑफ और स्क्रीन लॉक से मतलब रखना है। अब एक चीज है क्या, इससे फायदा क्या होगा, इससे कैसे हमारे फोन की बैटरी बचेगी, वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये जो स्क्रीन ऑफ है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम जा रहे हैं फटाफट, हमने अपने फोन का स्क्रीन बंद करके अपने जेब में डाल लिया, लेकिन दोस्तों बाद में जब हम निकालते हैं तो देखते हैं हमारे फोन का स्क्रीन ऑन रहता है जिसकी वजह से हमारे फोन की बैटरी बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसे मतलब कि स्क्रीन ऑफ वाला सेंसर यहां पे सेलेक्ट कर ले तो जैसे ही दोस्तों हमारे प्रॉक्सिमिटी पे कुछ भी यहां पे देख लीजिए जैसे ही कुछ भी जाएगा ना जब हम जेब में इसे डालेंगे ऑटोमेटिक हमारे फोन का जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगा, मतलब कि हमारे फोन की बैटरी इतना ज्यादा बचेगी आप सोच सकते हो, स्क्रीन ऑन ही नहीं होगा। अगर दोस्तों आप ये जो स्क्रीन लॉक वाला फीचर है इसे सिलेक्ट कर लोगे जैसे ही दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे हाथ जाएगा आपके फोन का स्क्रीन लॉक हो जाएगा, आप देख लीजिए मतलब कि इससे कितने हद तक बैटरी बचेगी आप खुद सोचिए गाइस। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे जाएगा ना गाइस आपका फोन लॉक हो जाएगा एंड उसके बाद आपको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो हमारे फोन का जो स्क्रीन है लॉक हो गया पूरी तरह से, अब उसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों आप अपने फोन की बैटरी लाइफ को बचाओगे। इसे ऑन करने का फायदा ये है जब भी आप अपने फोन की जेब में अपने फोन का स्क्रीन बंद करना भी भूल जाओगे ना ऑटोमेटिक जाते ही लॉक हो जाएगा एंड उसके बाद निकालोगे आपको अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर कहीं बैग में रख रहे हो कहीं पे भी फोन रख रहे हो ना गाइस ऑटोमेटिक आपके फोन का जो स्क्रीन है ये लॉक हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा जब भी आप अपने फोन को यूज कर रहे हो तो स्क्रीन लॉक वाला ये फीचर जो दिया गया है इसका यूज करो, इसके ऊपर आपको क्लिक करके रख देना है ताकि दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन बंद करना भूल गए या फिर रात में फोन चलाते चलाते सो गए तो ऐसे में जैसे ही फोन गिरेगा ऑटोमेटिक आपके सेंसर पे कुछ भी जाएगा आपके फोन का जो स्क्रीन है ये लॉक हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे गाइस इसका कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर इस एप्लीकेशन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड ये जो स्क्रीन ऑन वाला फीचर है ना गाइस इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसका यूज करोगे तो जैसे कि मान लीजिए आपका फोन बंद है, जैसे ही सेंसर पे कुछ जाएगा फोन यहां पे आप देख लीजिए ऑन हो जाता है, तो ऐसे आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहां पे तीनों फीचर बता दिए, स्क्रीन ऑफ, स्क्रीन लॉक और स्क्रीन ऑन। तो जिसको भी आपको यूज करना है मोस्टली मैं आपको यही बोलूंगा स्क्रीन ऑफ पे रखोगे तो क्या होगा, कुछ भी होगा ना गाइस आपके फोन का स्क्रीन बंद हो जाएगा एंड जैसे ही हटेगा वो चालू हो जाएगा। तो इस पे रखने से अच्छा है गाइस आप स्क्रीन लॉक रखो, ये बेटर रहेगा आपके लिए एंड आपको आपके फोन की जो बैटरी है ना उसे लंबे समय तक चलाएगा। आई होप गाइस आप इसे समझ गए होंगे। अब इसे डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे आ जाओ एंड यहां पे प्रॉक्सिमिटी स्क्रीन ऑन ऑफ प्लस आपको इंस्टॉल कर लेना है, आप यहां पे देख सकते हो। ये थोड़ा सा नई एप्लीकेशन है तो यहां पे थोड़ी सी इसकी रेटिंग वगैरह खराब है, आई थिंक कई डिवाइस में वर्क नहीं करेगी, तो आप एक बार चेक आउट कर लेना गाइस कि आपके फोन में ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। मोस्टली मेरे पास जितने फोन थे मैंने सभी में ट्राई किया, ये
अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपके भी फोन में वर्क करेगा, बस आप सेटअप वगैरह सही से करना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।